हेलो फ्रेंड्स, एचपी जीआईटी कंप्यूटर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन जो पिछले कुछ अन्य एग्जामों में आई हैं उससे संबंधित। एक मैं मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, पहला ऑप्शन एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन एल्जेब्रिक लोकल यूनिट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारे दो एग्जाम्स में आया है, एसएससी एमटीएस के 2011 और 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कंप्यूटर में सीपीयू का क्या होता है? पहला ऑप्शन कवर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी के 2014 में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वी ओ आई पी का पूरा नाम क्या होता है? पहला है वॉइस ऑफ इंटरनेट पावर, दूसरा ऑप्शन है वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन है डी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारे आईबीपीएस क्लर्क मेन 2017 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है रीड एंड मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रिकॉल मेमोरी, रिकॉल ऑल मेमोरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे एसएससी एमटीएस के 2013 में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। पहला कोर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन सी सर्कुलर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ये हमारे एसएससी एमटीएस के 2014 में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क विद रैंडम राइट कैपेबिलिटी, ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। ये हमारे SBI क्लर्क 2018 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, कंप्यूटर शब्दावली में कैड का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए कंप्यूटर एम्प्लॉय डिज़ाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑप्शन सी कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। ये हमारे SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, डॉस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिस्क ऑफ सिस्टम, ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे SBI क्लर्क 2017 में पूछा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? ए यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, बी यूनिप्लेक्स इंटर कंप्यूटर सर्किट, सी यूनियन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे IBPS PO के 2017 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ऑप्शन सी अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। ये हमारे SBI क्लर्क 2010 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MSD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ऑप्शन बी मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट, ऑप्शन सी मल्टीपल सिग्निफिकेंट डिजिट, ऑप्शन डी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट डेसिमल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ऑप्शन ए। ये हमारे RBI ग्रेड बी के 2018 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटरनल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटरकॉम नेटवर्क। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये हमारे SSC MTS के 2012 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण मतलब क्या है? ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम, ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफर प्रीवियस, ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफर परफेक्ट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे RBI ग्रेड बी के 2009 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है? पहला इंग्लिश मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिकल मेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी इलेक्ट्रॉनिकल मेल। ये हमारे IBPS क्लर्क के 2014 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DBMS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डाटा मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह हमारे IBPS RBI 2016 में पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।